हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। सो आज मैंने सोचा आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूं, बिकॉज समवन इन माय सब्सक्राइबर्स हैव आस्क्ड मी टू मेक ए वीडियो ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड बी ब्रिंग, स्पेशली फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव, कि लड़कियां जो आ रही हैं उनके लिए बता दें कि क्या क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए साथ। तो मैं आज आपके साथ थोड़ी सी वो चीज़ें शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ अपनी टिप शेयर करूँगी वो ये कि आप लोग अपने साथ एक वार्म जैकेट ज़रूर लेकर आएँ सर्दियों के लिए, बिकॉज़ अगर आप सितंबर इनटेक में या फिर जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो लैंड करते ही आपको एक जैकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो आप अपने साथ लाएँ। मेक श्योर कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो और विंड रेजिस्टेंट हो अगर आपको मिल जाती है तो। और ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी कपड़े वगैरह ना ख़रीदें अपनी कंट्री से, बिकॉज वहाँ के मौसम के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर नहीं चलती, तो आप यहीं से आकर ख़रीदें जो भी चीज़ें आपको चाहिए हो। बहुत कम क्लोथिंग आप अपने साथ रखें, बेसिक तीन चार आप अपने साथ टी शर्ट ज़रूर लेकर आएँ, और जो है आप अपने साथ ट्राउज़र्स और जीन्स ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि जिसमें ख़ास तौर पे विंटर्स के जिसमें आपके शलवार कमीज़ इतने काम नहीं आते, स्पेशली घर से बाहर अगर आपने जाना है यूनिवर्सिटी वगैरह, सो दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो वो आप कम से कम लाएं ज़रूर, तीन चार आप अपने साथ लाएं। अगर आप घर में कंफर्टेबल होते हैं, शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर लाएँ, लेकिन विंटर्स के जो मंथ हैं उनके अंदर आप बाहर नहीं यूज़ कर पाएंगे उनको। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप कोई स्किन केयर रूटीन करते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं एंड यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड देम हेयर, तो आप वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें, क्योंकि यहाँ आके जो ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं फिर वो आप बाय कर सकते हैं। बट जो बेसिक आपकी नेसेसरी स्किन केयर वगैरह है वो आप अपने साथ ज़रूर रख के लाएँ, और इसके अलावा आप अपने साथ दो से तीन स्कार्फ्स ज़रूर कैरी करें, इवन इफ़ यू कवर योर सेल्फ और नॉट, बट ये कि यहाँ पे क्योंकि ठंड होती है तो इट्स गुड टू रैप अराउंड। और इसके अलावा तमाम वो अफराद जैसे जो आ रहे हैं, तो आप अपनी जो भी रिलीजियस आपकी चीज़ें हैं जैसे कुरान पाक जाए नमाज वो ज़रूर साथ लाएं, और आप कोई भी अपनी दुआएं वगैरह जो भी आप हैं, बुक्स जो आपको लगता है कि वहाँ आपको नहीं मिलेंगी वो आप ज़रूर अपने साथ लाएँ। इसके अलावा बिकॉज आई एम टेलिंग फ्रॉम ए गर्ल्स पर्सपेक्टिव, तो आई नो कि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं एंड दे आर इमोशनल, दे आर अटैच्ड टू देयर थिंग्स, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट है तो वो आप ज़रूर अपने साथ लाएं। इट कुड बी अ क्लोदिंग पीस, इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी अ फोटो, एनी थिंग, बिकॉज क्या होता है कि शुरू में जब आप आते हैं एंड यू आर एडजस्टिंग, और इवन आफ्टर एडजस्टमेंट जब भी आपको घर याद आए, यू मिस होम, यू मिस पाकिस्तान, यू मिस योर फैमिली, सो यू शुड हैव समथिंग टू लुक एट, टू यू नो फील एट होम, एंड दैट ब्रिंग्स यू पीस एंड काम इन योर लाइफ। सो डू ब्रिंग एनी सच काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ, एंड अदर देन दैट माई वन एंड ओनली टिप फॉर यू गाइज इज डू नॉट कैरी एक्स्ट्रा स्टफ। आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, ईच एंड एवरी थिंग। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने आपको यहाँ पर एक प्राइमार्क का टूर भी कराया था, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट बिफोर आई विल गिव अ लिंक अप हियर एंड यू कैन सी। और अभी मैं एसडा आई हूँ, एसडा इज़ अ बिग सुपर स्टोर हेयर, यहाँ से आपको ग्रोसरी घर का आइटम सब कुछ मिलता है, एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड क्वालिटी क्लोदिंग लाइन विद द नेम ऑफ जॉर्ज, and I hope that you guys are feeling good, so keep subscribing the channel, keep liking my content, and if you like today's video so stay tuned, take care, bye bye।